हेलो गाइस, तो कल मुझे टीआर रिसीव हुआ है। अभी इसके अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है। मैं एक साथ टीआर जमा करके अनबॉक्सिंग नहीं करी, एक एक टीआर की कर रही हूँ, और वीडियो जो है ना वो सारी क्लिप्स एक साथ जोड़ दूंगी, ठीक है। तो अभी पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये जो है यहाँ से खुलेगा। तो गाइस, सबसे पहले इसमें निकला है ड्रेस अस्मा कलेक्शन की तरफ से, ठीक है। और ये मैं भी खोल कर दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो है वो है हेयर बो, हेयर पोनी, और ये हेयर बैंड स्पार्कल एंड शाइन की तरफ से, इनकी बहन का पेज है। और इसमें जो है ना थर्ड चीज़ जो है ना वो है ये रेजन किचन, रेजन बाय जिया दानियाल की तरफ से। तो अभी ये सारी चीज़ें खोल कर भी दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले ये वाला पैकेट, और इसमें जो है वो हेयर बैंड है, ठीक है। मैं इसे किसी अच्छे से ड्रेस में ना पहनकर वीडियो भी बनाऊंगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसे रखो, इसमें ये हेयर पोनी यार कितनी क्यूट सी लग रही है, ये कलर भी बहुत प्यारा है। ये किसी वाइट टॉप पर अच्छी लगेगी, मैं पहन कर दिखाऊंगी सारी चीज़ें। और ये है हेयर बो, इसका कलर इतना प्यारा है, लाइट सा। इस पर मैं कोई एक मैक्सी सिलवाऊंगी और उस पर ये पहनूंगी, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इतना प्यारा लग रहा है यार, ये ग्रीन कलर का कलर भी इसका अच्छा है। उसके बाद ये आ जाता है रेजन किचन। मैं सारी चीजें अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, हुसैन को बिठा दिया कि तुम एक एक चीजें वापस रखना। हुसैन असिस्टेंट बना। ये रहा रेजन किचन, बस इसमें नाम का इशू आ रहा है यार, मुझे गलत नाम का रिसीव हो गया। ये देखो, कोई मसला नहीं, इस पे कोई ना कोई कारिस्तानी करके इसको भी चला लेंगे। अब बारी है ड्रेस की, मैं ड्रेस खोल के दिखा रही हूँ यार। ये ड्रेस जो है ना अभी तक इन्होंने लॉन्च नहीं किया, इन्होंने सबसे पहले मुझे ही पीआर सेंड किया है ताकि मैं ये ड्रेस लॉन्च करूं। तो सबसे पहले, और साइज का थोड़ा सा मसला आ गया है, थोड़ा सा सेट करवाना पड़ेगा क्योंकि मैं जो हूँ वो स्मॉल की हूँ और मुझे साइज जो है वो मीडियम का रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले ये शर्ट आ जाती है। मैं इसकी वीडियो या पिक्चर होगी तो वो भी साइड में ना एडिट करके जोड़ दूंगी कि आप लोग देख लो कि ये कौन से ब्रांड का है। तो सबसे पहले ये देखो, ये ड्रेस है और ये इसकी स्लीव्स हैं, ठीक है। ये देखो, ये फ्रंट है, इस पे जो है ना प्यारे से बटन्स लगे हुए हैं। शॉर्ट शर्ट है ये, और इसके साथ जो है ना इसका ट्राउज़र है, बिल्कुल सिंपल है। सिल्क का फैब्रिक है मेरे ख्याल से ये। हाँ मामा, सिल्क का है ना? हाँ, ये सिल्क का है और कलर भी बहुत प्यारा है। सिंपल सा जो है ना इसका ट्राउज़र है, और इसके साथ ये वाला जो है ना दुपट्टा है। ये वाला इसके साथ दुपट्टा है, ये मैं पहनी भी हूँ, और ये वाह, दोनों सेम सेम हो गए। लेकिन इसमें जो है ना ऐसे डिज़ाइंस बने हुए हैं, वो लगे हुए हैं, हाँ स्टोन्स लगे हुए हैं। तो ये दुपट्टा है, और वो जो पूरा ड्रेस मैंने दिखाया, अभी इसकी मैं वीडियो बनाऊंगी, इसको सेट करवा के प्रॉपर, और इसको हम लॉन्च करेंगे। और बाकी जो सारी डिटेल्स वगैरह है ना, आईडी, प्रोफाइल वगैरह, देखो इन सब चीज़ों पर भी नंबर लिखा हुआ है। ये रहा, इसमें है ना स्पार्कल एंड शाइन, इस पर भी नंबर लिखा हुआ है इनका, और मैं स्क्रीन पर भी शो कर दूंगी नंबर, आईडी, इंस्टाग्राम, टिकटॉक अकाउंट, सारी चीज़ें इस पर डाल दूंगी। तो आप तो कॉन्टेक्ट कर लेना अगर किसी को लेना हो तो। तो गाइस, अब जो है ना वो मैं, ये वाला पार्सल जो है ना मुझे काफ़ी टाइम से रिसीव हुआ हुआ था, लेकिन मैंने ब्लॉग में ज्वाइन नहीं किया, टिकटॉक पर शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी थी। तो भी मैं बताती हूँ आप लोग को ऑर्गेनिक सोप के बारे में, जो मैं यूज़ कर रही हूँ एक्नी वगैरह के लिए, ठीक है। एक्नी हो या वाइटनिंग हो, लेकिन ये वाइटनिंग सोप भी है। तो ये जो है ना हर्बा ग्लो की तरफ से मुझे रिसीव हुआ था, और इस सोप को जो है ना मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ काफ़ी दफ़ा। देखो, काफ़ी दफ़ा मैंने इसको यूज़ भी कर लिया, और ये जो है ना वो हाफ हो चुका है, इतना ज़्यादा मैंने यूज़ किया है।
अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा बॉडी वाइटनिंग सोप है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है, आपकी स्किन को फेयर करता है, आपकी स्किन पे अगर डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल्स हैं, ब्लैक हेड, वाइट हेड का इशू है, तो ये बहुत अच्छे से आपके फेस पे इन सब प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है और आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट सोप जो हमारे पास है वो है बॉडी वाइटनिंग सोप। बॉडी वाइटनिंग सोप जो है वो आपकी स्किन को वो ब्राइट करता है, वाइट करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट कर देता है। नेक्स्ट है वाइटनिंग क्रीम, ये आपकी स्किन के लिए बहुत जो है वो बेस्ट रहेगी, आपकी स्किन को वाइट करता है, ब्राइट करेगा, आपकी स्किन को ग्लो देगा, डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन के निशानात को ख़त्म करेगा। ये हमारा स्क्रब है, ये आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, नेचुरल ग्लो लाता है आपकी स्किन पे। तो गाइस आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ, डेमो देने वाली हूँ हर्बा ग्लो के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, ठीक है। यहाँ मेरे पास ऑर्गेनिक फेस सोप है, यहाँ है बॉडी सोप, ठीक है, और ये डे और नाइट क्रीम और शुगर स्क्रब। तो सबसे पहले जो है ना मैं आपको सोप यूज़ करना बताऊँ, ये जो है ना ये वाला सोप मैंने आपको टिकटॉक पर भी देखा होगा, ये वाला सोप जो है वो फेस सोप है, पिंक कलर का, ठीक है। कुछ लड़कियां होती हैं बाहर के जो सोप यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस अच्छी होती है, लेकिन वो सोप यूज़ करने के बाद आपकी स्किन जो है ना वो ड्राई हो जाती है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है जब मैं दूसरे सोप्स वगैरह यूज़ करती हूँ, लेकिन ये यूज़ करने के बाद ना मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट सी हो गई है। मैं इसका डेमो भी दिखाती हूँ अभी कि इसको कैसे यूज़ करना है। बाकी ये रहा बॉडी सोप, हैंड फीट आपको जहाँ यूज़ करना आप यूज़ कर सकते हो। इसका कलर थोड़ा डार्क है, लेकिन आप लोग अपनी अपनी स्किन के मुताबिक अपनी जैसे आपको सोप चाहिए हो आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो कि आपने ज़ाफरान चाहिए, मिल्क वाला चाहिए, या जैसा भी चाहिए वाइटनिंग सोप्स वगैरह। तो ये जो पिंक वाला है ना ये वाइटनिंग सोप है, और ये जो है ना ये भी सोप है, उसमें ये वाला जो सोप है ना इसमें लिखा हुआ है सब कुछ के ये एक्नी रिमूवल, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, इन सब से आपकी जान छूट जाएगी अगर आपके डार्क सर्कल्स वगैरह हैं। बाकी ये विटामिन सी शुगर स्क्रब है, ठीक है, ग्लो इसको, ये हैंड और फीट का भी है लेकिन आप इसको अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, मैं भी डेमो दिखा दूँगी। और ये जो है ना वाइटनिंग डे और नाइट क्रीम है, ठीक है, और इसमें जो है ना डार्क सर्कल रिमूविंग है और एक्नी पिंपल्स वगैरह जो होते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो आपको 1 वीक में मिलेगा। तो मैं ये यूज़ करके ना अपने फेस पर ही दिखाऊंगी या मामा के फेस पर दिखाऊंगी, मामा की जो स्किन टोन है ना थोड़ी सी डार्क है, और मैं जो ना यार देख लो कोई फिल्टर वगैरह नहीं लगाया हुआ, ओरिजिनल कैमरा है मोबाइल का वो ऑन किया हुआ है, और इसी पे डेमो दूंगी। इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी है, ये मैं यूज़ करके बताऊंगी कि कैसा है और कैसा नहीं। तो सबसे पहले हम डेमो देते हैं, पहले तो मैं अपने बाल बांध लूँ, सबसे पहले तो मैंने अपने बाल बांध लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है बारी इस सोप, पहले स्लीव के ऊपर कर लूँ। अब जो है ना मैं ये वाला सोप यूज़ करके बताऊँगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर मेरे पास पानी भी मैं अपने साथ लेकर बैठी हूँ, ठीक है। पहले तो आप अपनी स्किन को जो है ना वो गीला कर लो, अपनी स्किन को गीला कर लो, ठीक है। उसके बाद जो ये सोप है ना इसको लेना है अपने फेस पे, इस तरीके से अप्लाई करना है, झाग बनेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बनेगा जितना आम सोप का बनता है, क्योंकि इसमें खुशबू होती है और इसमें सिर्फ झाग होता है। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे इसको यूज़ करने में। आप लोगों को पता है मुझे वैसे भी ना फिल्टर लगा के वीडियोस बनाने में मज़ा नहीं आता, लेकिन 2-3 व्लॉग्स जो है ना वो मैंने फ़िल्टर के साथ अपलोड किए हैं, लेकिन टिकटॉक वीडियो तो मुझे बिना फ़िल्टर के ही पसंद है, और उसके लिए फेस का चमकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ ये वाला सोप जो है ना मैं डेमो दे रही हूँ उसका, ठीक है। जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप एक दफ़ा यूज़ करो और वो जो है आपको गोरा कर दे, गोरा कोई नहीं करता, सिर्फ आपकी जो डार्क स्किन होती है गंदी मैली वो हटाती है, और जो आपकी रियल स्किन टोन होता है ना उसको जो है ना वो वापस ले आती है। तो यहाँ जो है ना मैं जल्दी से अस्मा डॉल की तरह चिट्टी हो जाऊँगी, सॉरी मैं चिट्टी नहीं होंगी, मैं सिर्फ जो है ना इसको डेमो दे रही हूँ लाइव कि यार नहीं ये वर्क करता भी है या नहीं। अच्छा मुझे एक्नी नहीं होती, बहुत कम होती है, जिनको एक्नी और डार्क सर्कल्स है ना उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, वो यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ देख सकते हो ऑर्गेनिक सोप्स का ज़्यादा झाग नहीं होता, तो यहाँ इसका झाग है, ऐसा नहीं है कि इसका झाग ही नहीं है, झाग है वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट हो रही है मैं क्यों बताऊँ। चलो अब इसको रिमूव करते हैं। तो मैं बार बार फेस वॉश करने नहीं जा सकती, तो यहाँ पर अपने साथ लेकर बैठ गई हूँ। वाह
मेरी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी हो रही है, एक होती है ड्राई हो जाती है सोप यूज़ करने से, इसलिए जो लड़कियाँ हैं वो फेस वॉश यूज़ करती हैं, लेकिन इससे स्किन बहुत सॉफ्ट हो रही है मेरी। लेकिन बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, अगर आप लोग भी जैसे ऑर्गेनिक सोप्स वगैरह यूज़ करना चाहते हो ना तो ये बेस्ट पेज है। इसकी व्हाट्सएप नंबर, लिंक वगैरह सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी और स्क्रीन पर भी शो हो जाएंगे, ठीक है। बाकी के पीआर जैसे जैसे मुझे रिसीव होते रहेंगे वैसे वैसे ये वीडियो लंबी होती रहेगी। ओके।